नमस्कार दोस्तों, कल का जो वीडियो था सीट एक्सेप्टेंस का वो आधा ही बनाया था मैंने। आज पूरा वीडियो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आना है। इस यहाँ पे आने के बाद कि आप ये प्रोसेस तो मैंने पूरा आपको बता दिया था कि आपको एसएससी के मार्क्स, डिप्लोमा के मार्क्स देखना है, फिर उसको यहाँ पे करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो आपको जो आपके जो मार्कशीट है वो देखना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, और फिर उसको आगे प्रोसीड टू पे बोलना, प्रोसीड टू नेक्स्ट बोलना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट होने के बाद आप अभी फ्रीज और बेटरमेंट के ऑप्शन पे आओगे। यहाँ पे अभी यहाँ पे बेटरमेंट और फ्रीज है, तो आपको अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको एक ओटीपी आएगा, और बेटरमेंट के ऑप्शन के लिए भी ओटीपी आएगा। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ फ्रीज कर रहा हूँ, तो मैं फ्रीज को क्लिक कर देता हूँ। फ्रीज को क्लिक करने के बाद मुझे मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। मैं ओटीपी में यहाँ पे एंटर कर दूँगा, और यहाँ अपडेट सीट एक्सेप्टेंस का जो स्टेटस का टैब है या बटन है उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी मैं अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस। ओके, फिर अभी यहाँ पे बोल रहा है प्रोसीड टू पे बोल रहा है, तो मुझे पेमेंट के ऑप्शन के लिए जाना होगा, तो मुझे पे नाउ बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो मेरे पहले सेव कार्ड्स है, मैंने जब मैंने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो कार्ड सेव थे वो भी पूछ सकता है वो। तो मैंने कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई सेव कार्ड है तो आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया है, वो एंटर कर दीजिए। तो अभी मैं जो मेरा कार्ड, मेरा मोबाइल नंबर है उसमें से मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। आप दूसरा भी कार्ड ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो उसमें वेरीफाई। फिर ये जो कार्ड वाला, ये मेरा पहला सेव कार्ड था उसमें, तो मैं उसको सीवीवी पूछ रहा है, तो मैं सीवीवी डाल दूंगा वहाँ पे। पे कंटिन्यू। अभी मुझे बैंक वेरिफिकेशन का एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे डालना पड़ेगा। अभी ये प्रोसेस हो गया है मेरा, मेरा जो सीट एक्सटेंडर स्टेटस था वो फ्रीज हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, ये इसका प्रिंट लेना है, और जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है वहाँ पे जाके ये दिखाना है, और फिर बाकी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कॉलेज का, रिस्पेक्टिव कॉलेज का, वो करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।